हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो लोकसभा के जो इलेक्शन है उनकी जो डेट्स है वो फाइनली अनाउंस हो चुकी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेट्स का जो इंतज़ार है वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अभी हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये जो इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हुई है, क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पे, आपके सेकंड 4 और 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो कि मई से शुरू होने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, SOL के, NCVAP के, रेगुलर के। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सेकंड 4 और 6 सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं और जिनका एग्ज़ाम अभी अपकमिंग मंथ में होने जा रहा है। तो देखिए, पहली चीज़ मैं आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, मत का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, वो आपका कोई भी फैसला हो कि किसको देना है वो आपका निजी फैसला है, बट वोट देने जरूर जाए। ये चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ के माध्यम से, और इलेक्शन कमीशन भी इसी चीज़ को कहता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और यही एक ऐसा अधिकार है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधिकार आपको दिया हुआ है कि आप अपनी सरकार खुद सिलेक्ट कर सकते हो। तो ज़रूर वोट डालने जाए, और अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, और अगर नहीं बना हुआ है तो मुझे लगता है कि आप अप्लाई आप कर सकते हो अभी, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, अभी आप जैसी वीडियो शुरू हुई थी आपने देखा होगा मैंने एक चार्ट वहाँ पर डाला हुआ था जिसमें 7 चरणों में आपके चुनावों का घोषणा की गई है। 19 अप्रैल से आपके इलेक्शन शुरू होंगे और 1 जून तक आपके इलेक्शन चलने वाले हैं, यानी 7 जोन में आपके जो इलेक्शन है 7 फेजेस में वो होने वाले हैं, जिसमें दिल्ली के जो चुनाव है वो 25 मई को दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर क्या इससे डेट शीट में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जो डेट शीट आई हुई है वो डेट शीट आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। पहली चीज़ इसको आप नोट कर लीजिए, तो टेंटेटिव डेट शीट है, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले ही टेंटेटिव डेट शीट इसीलिए निकाल दी क्योंकि मई जून के महीने में और भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो इन कॉलेजेस में होते रहते हैं, जैसे रेगुलर के एग्ज़ाम्स तो होते ही होते हैं, जो उनके खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सेंटर्स के, प्लस इग्नू के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जिसकी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय डेट शीट निकाल के अपनी सीट पक्की कर देता है कि इस डेट को हम इस कोर्स का कराएंगे, इस डेट को हम इस कोर्स का कराएंगे। तो एक चीज़ आपको नोट ये करनी है कि वो जो डेट शीट है टेंटेटिव डेट शीट है, अगर कुछ चेंजेस होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट निकाली ही इसीलिए जाती है कि बाद में उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है या कोई डेट्स अगर हमें आगे पीछे करनी होती है तो उसके लिए हमें फाइनल डेट शीट होती है उसको में मेंशन आपको कर दिया जाता है, वो डेट शीट आपकी निकाल दी जाती है। अब जो टेंटेटिव डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन डेट है वो थोड़ी डेट से वो क्लैश हो रही है। अब क्यों क्लैश हो रही है, इसका रीज़न ये है कि 20 मई से लेके 1 जून के बीच में आपकी 3 डेट्स हैं इलेक्शंस की। ठीक है, अब इसी के बीच पहले भी काफ़ी इलेक्शंस होने वाले, मतलब 7 चरणों में है आपके इलेक्शन, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो आउट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आउट ऑफ स्टेट से यहाँ दिल्ली एग्जाम देने आएंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो अब फाइनल डेट शीट निकालेगा, अभी तो फिलहाल अभी टाइम है फाइनल डेट शीट में, तो टेंटेटिव डेट शीट चेंज होगी। पहली चीज, एग्जाम की डेट्स आपकी चेंज होगी, बट सारी डेट्स आपकी चेंज करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उन्हीं डेट्स को चेंज किया जाएगा जिस डेट्स पे आपकी जो एग्जाम्स और इलेक्शन की डेट है, अगर एक दिन में पड़ रही है, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर की, तो उस एग्जाम को उस दिन ना करा के अगले महीने किसी भी एक डेट को वो करा दिया जाएगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन अलग से निकाल दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर हमें पता क्या चलेगा, तो अभी फाइनल डेट शीट आना बाकी है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो फाइनल डेट शीट जब आएगी, उस फाइनल डेट शीट में आपकी, क्योंकि अब देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय को नहीं पता था कि चुनाव की डेट्स क्या है, तो टेंटेटिव डेट शीट उन्होंने निकाल दी अपने अकॉर्डिंग। तो अब दिल्ली विश्वविद्यालय उसको देखेगा कि हाँ ये चुनाव की डेट्स है, उसे चुनाव की डेट्स पता चल गई, अब जो आपकी फाइनल डेट शीट आएगी उसको मैनेज किया जाएगा। यानी 2 से 3 एग्जाम्स हो सकते हैं जो 20 से 1 जून के बीच में जिन जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं उन डेट्स को हो सकता है कि चेंज कर दिया जाए, बाकी जो डेट्स है वो एज इट इज रहने वाली है। ठीक है, तो फाइनल डेट शीट का वेट करें, अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पैनिक होने की। काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट है सर क्या पोस्टपोन्ड होंगे एग्जाम, क्या हमें प्रमोशन मिल गया,
तो भैया प्रमोशन का यहाँ खेल नहीं है, क्योंकि कोविड अब है नहीं, और कोविड होता भी तो भी इनके पास एक ऑप्शन रहता है ओपन बुक एग्जाम का। तो एग्जाम तो आपके होंगे, प्रमोशन का सपना भूल जाइए, और पोस्टपोन्ड तो कतई नहीं होने वाले। डेट्स को रिवाइज किया जाएगा, आगे पीछे किया जाएगा, जिस भी दिन आपकी जो चुनाव और आपकी जो एग्जाम की डेट अगर क्लैश होती है, चाहे वो रेगुलर हो, एनसीबीएफ हो, चाहे आपके क्या कहते हैं SOL, सेम इग्नू की भी डेट चेंज होगी, इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इग्नू के भी जो एग्जाम है 1 जून को होने वाले हैं और 1 जून को चुनाव भी है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि डेट्स को आगे पीछे किया जाएगा, सारी डेट शीट को चेंज नहीं किया जाएगा, फाइनल डेट शीट में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल डेट शीट आएगी कब तक। तो देखिए फाइनल डेट शीट जो है आपको इस महीने के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फाइनल डेट शीट एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले निकाली जाती है, और टेंटेटिव डेट शीट जो है वो एग्जाम से 2.5 महीने पहले निकाली जाती है। टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, फाइनल डेट शीट आ सकती है किसी भी टाइम, जैसी आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली डेट्स डिसाइड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसी दिन में रेगुलर का भी एग्जाम होना है, SOL का भी होना है, NCVAP का भी होना है, तो डेट्स को मैनेज किया जाएगा। और जो मई की जो लास्ट वीक में जो शुरुआती जो एग्ज़ाम की जो डेट्स है उनको चेंज किया जा सकता है, अगर कोई भी इलेक्शन और एग्ज़ाम की डेट्स किसी भी सेमेस्टर की अगर मिक्सअप होती है। तो बिल्कुल भी अभी ये मत सोचिएगा कि सर अब तो फाइनल डेट शीट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई डेट शीट चेंज भी हो जाएगी तो फाइनल डेट शीट में सब चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी, एडमिट कार्ड में भी आपकी वो चीज़ें क्लियर होगी, डेट्स भी क्लियर होगी, ठीक है। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, और बाकी अब रही बात एग्जाम की तैयारी करते रहिए, कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाले, शुरुआती एक दो एग्जाम हो सकते हैं आगे पीछे हो जाए, वो आपको फाइनल डेट शीट में बता दूंगा। तो जैसी फाइनल डेट शीट आएगी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी चुनाव आने वाले हैं और डेट्स अनाउंस हो चुकी है, अपना कीमती वोट जरूर डालने जाए, क्योंकि आपका हर एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है इस राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, थैंक यू।